नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। रात के इस समय 1 बज रहा है और कठुआ में गोलीकांड जो है वो सामने आया है और जीएमसी कठुआ में एक बड़ा हादसा होते होते जो है वो टला है। मैं इस समय जीएमसी कठुआ में मौजूद हूं और मैं बता दूं आपको कि सांबा पुलिस जो रामगढ़ पुलिस स्टेशन है वहां पर, तो वो किसी मामले में जो है वो जीएमसी कठुआ में पहुंची थी एक आरोपी की तलाश में। और आरोपी के साथ जो है वो, हालांकि वो वांटेड भी था और पहले भी अन्य कई केसों में जो है वो शामिल भी था, पुलिस उसकी तलाश में जो है वो कठुआ में पहुंची थी और उसी वांटेड जो आरोपी था उसके साथ जो है एक मुठभेड़ जो है पुलिस की हुई है। सांबा के रामगढ़ पुलिस जो है कठुआ में पहुंची थी और उसी का PSI जो है उसके साथ मुठभेड़ वहां पर हुई है और इसमें इस पूरी गोलीकांड में जो है एक आरोपी की जो है वो मृत्यु भी हुई है और पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें भी जो है वो चोटें पहुंची हैं। हालांकि उन्हें यहां से जो है वो रेफर कर दिया गया है, लेकिन जीएमसी कठुआ में काफ़ी राउंड फायर जो है यहां पर हुआ है जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कठुआ पुलिस भी जो है यहां पर मौजूद है और उसी के साथ साथ सांबा पुलिस के प्रमुख जो है वो भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही समय पहले यहां पर पुलिस की बड़ी तादाद यहां पर देखने को मिल रही थी। कठुआ पुलिस के प्रमुख SSP कठुआ भी यहां पर पहुंचे थे और उसी के साथ साथ यहां पर पूरे मामले की जो जाँच है वो भी शुरू कर दी गई है। हालांकि किस तरह से ये मामला जो है वो पेश आया है और किस तरह से जो आरोपी था वो किस मकसद से यहाँ पर पहुंचा था और पुलिस, हालांकि जो सांबा पुलिस जो बताई जा रही है, रामगढ़ की जो पुलिस बताई जा रही है, हालांकि वो उस आरोपी को पकड़ने की तलाश में यहाँ पर पहुंची थी, उसी के साथ में यहाँ पर एक मुठभेड़ जो है वो यहाँ पर होती है जिसमें कि अफरा तफरी का माहौल जो है जीएमसी कठुआ में देखा जाता है। हालांकि 10:30 से बीच 11:15 के बीच का ये पूरा वाक्य जो है बताया जा रहा है रात के समय का, उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी शुरू कर दी गई। हालांकि इस समय जो है कठुआ पुलिस के प्रमुख जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद सांबा पुलिस के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो छानबीन जो है वो भी शुरू कर दी गई है। जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है और कल जो पुलिस के प्रमुख हैं RS वैन वो भी यहाँ पर कठुआ में पहुंचे थे और लगातार जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है लगाया हुआ है, अगले 19 तारीख को अप्रैल की इसी महीने की बात करें तो इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर इस तरह से इतना बड़ा हमला जो है कठुआ में हो जाना कहीं ना कहीं बिल्कुल जांच का विषय होने वाला है। हालांकि SSP कठुआ ने अभी भी कुछ भी कहने से जो है परहेज रखा है, मीडिया से उन्होंने अभी कोई भी बात जो है वो नहीं की है, मीडिया के सवालों से अभी वो बचते नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कल तक जो है मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। फिलहाल अभी आपको तस्वीरें हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर एक इस मुठभेड़ में जो है एक आरोपी जो है उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हुई है और इसके साथ में जो आपको बता रहा हूँ सांबा पुलिस से जो एक रामगढ़ पुलिस यहाँ पर पहुंची थी जो उसका PSI था उसे भी जो है गंभीर चोटें यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि यहाँ पर गरिमत यह रही है कि यहाँ पर किसी भी लोकल शख्स को जो है पर कोई भी किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफला तफरी का माहौल जो है इस समय यहाँ पर जीएमसी कठुआ में देखा जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पूरा वातावरण जो है वो यहाँ पर आपको सहमा हुआ नजर आएगा, किसी भी तरह की कोई हलचल जो है आपको अमूमन जहाँ पर जीएमसी कठुआ में जो देखी जाती है रात के समय में भी वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और पूरी तरह आप देख सकते हैं कि पुलिस की चौकसी जो है पर यहां पर लगातार बढ़ रही है और लगातार यहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है यहां पर रात के समय में भी यहां पर चलाई जा रही है। हालांकि किस तरह से यह वाक्य जो है वो पेश आया, क्या मंशा के साथ यहां पर आरोपी ने जो है यहां पर जो है मुठभेड़ को अंजाम दिया है।